हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हेनरी लॉ से है। तो हेनरी लॉ पे मैंने वीडियो बना के चैनल पर डाली हुई है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वहां से जाके आप हेनरी लॉ एंड उसकी एप्लीकेशन को देख सकते हो। तो अगर आप अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तो आज जो मैं डिस्कस कर रही हूँ वो चैप्टर टू सॉल्यूशन का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि जनरली सभी बच्चों की डाउट होती है, उनको ये क्लियर नहीं होता है पॉइंट। तो आज का जो क्वेश्चन है वो है व्हाई सिलेंडर यूज्ड बाय स्कूबा डाइवर्स गोताखोर आर डाइल्यूटेड विद हीलियम। यानी जो स्कूबा डाइवर अपने साथ सिलेंडर कैरी करते हैं उस सिलेंडर में हीलियम क्यों डाइल्यूट किया जाता है। तो पहले हम पढ़ते हैं कि जो सिलेंडर जो यूज किए जाते हैं स्कूबा डाइवर के थ्रू, वो उसमें प्योर ऑक्सीजन नहीं होती है, क्योंकि जो प्योर ऑक्सीजन है वो हमारे लिए फैटल है, ठीक है, डेडली है, हमारे लिए हार्मफुल है। अगर हम लंबे टाइम तक प्योर ऑक्सीजन इनहेल करते हैं तो उससे हमें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकती है, लंग्स हमारे खराब हो सकते हैं, हमारा जो नोज है वो ड्राई हो सकता है। तो इन सब सिचुएशन से बचने के लिए प्योर ऑक्सीजन हम यूज नहीं करते। इवन जो हॉस्पिटल्स होते हैं, हॉस्पिटल्स में जो ऑक्सीजन सिलेंडर यूज किए जाते हैं उसमें भी नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो डाला जाता है। तो आज का टॉपिक है कि जो स्कूबा डाइवर है वो अपने साथ सिलेंडर कैरी करते हैं। तो सपोज अगर स्कूबा डाइवर ये ऑर्डिनरी एयर जो हम यूज कर रहे हैं, जो हम इनहेल कर रहे हैं हमारे एटमोसफेयर में, जिसमें अराउंड 78% नाइट्रोजन होता है और 21% ऑक्सीजन होता है एंड 1% अदर गैसेस होती है, अगर वो कैरी करे तो क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे लिखा ना हीलियम से डाइल्यूट करते हैं, तो पहले हम सिचुएशन पढ़ते हैं कि जिसमें हीलियम को डाइल्यूट नहीं किया है तो होगा क्या। तो जब स्कूबा डाइवर डेप्थ में जाते हैं, सपोज ये सी मैंने ऐसे ही बनाया सरफेस, तो जब स्कूबा डाइवर डेप्थ में जाते हैं तो पार्शियल प्रेशर एयर का बढ़ जाता है, जिसकी वजह से सॉलिडिटी ऑल्सो इंक्रीजेस। तो हेनरी लॉ मैंने समझाया लास्ट वीडियो में, तो वहां से पहले वीडियो को अच्छे से देखो, हेनरी लॉ को समझो, तभी आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाओगे। तो अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद मोल फ्रैक्शन, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद सॉलिबिलिटी। तो जब स्कूबा डाइवर अगर वो ऑर्डिनरी सिलेंडर कैरी करते हैं, तो जो ऑर्डिनरी एयर वाले सिलेंडर जो कैरी करते हैं, ऑर्डिनरी एयर कैरी करते हैं, तो जब वो डेप्थ में जाते हैं तो पार्शियल प्रेशर एयर का बढ़ेगा, जिसकी वजह से सॉलिबिलिटी बढ़ेगी। तो एयर की सॉलिबिलिटी बढ़ गई, जिसमें जो नाइट्रोजन उसके अमाउंट ज्यादा है इस कंपैरिजन टू ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन तो जो बॉडी वो यूज्ड कर लेगी, क्योंकि हमारे सेल जो है, सेल में जो फूड है उसको ऑक्सीडाइज करने के लिए ऑक्सीजन की नीड होती है, तो वो तो यूज हो जाएगी। अब जैसे ही स्कूबा और नाइट्रोजन जो वो इनर्ट है, नाइट्रोजन हमारे ब्लड में सॉल्युबल है ज्यादा, उसके अमाउंट ज्यादा सॉल्युबल हो जाएगी डेप्थ में, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, और नाइट्रोजन जो है वो रिएक्ट भी नहीं कर रही है। तो जैसे स्कूबा डाइवर सरफेस पर आएगा, पार्शियल प्रेशर एयर का डिक्रीज हो जाएगा तो सॉल्युबिलिटी ऑल्सो डिक्रीजेस। अब वो रैपिडली जो नाइट्रोजन मिक्स हो गई थी, सॉल्युबल हो गई थी ब्लड स्ट्रीम के अंदर, वो रैपिडली निकलना शुरू होगी। तो जैसे वो निकलेगी, अब कोई भी गैस जब लिक्विड से निकलती है बबल्स की फॉर्म में निकलती है, तो जब स्कूबा डाइवर की बॉडी से वो नाइट्रोजन निकलेगी ड्यू टू लो पार्शियल प्रेशर एट सरफेस, तो बबल्स के फॉर्म में निकलेगी। अब बबल्स के फॉर्म में निकल रही है तो उनको पेनफुल बैंड फील होंगे। पेनफुल बैंड मतलब जो ब्लड का कॉन्टिन्यू सर्कुलेशन था वो इन बबल्स की वजह से क्या हो जाएगा, कट ऑफ हो जाएगा, जिसकी वजह से उनको पेनफुल बैंड फील होंगे। तो इन पेनफुल बैंड से बचने के लिए ही स्कूबा डाइवर्स के सिलेंडर में 11.7% हीलियम को डाइल्यूट किया जाता है। अब हीलियम क्या करेगा, अब वही पढ़ेंगे हम। तो अगर जो स्कूबा डाइवर है वो हीलियम से डाइल्यूटेड सिलेंडर को लेके जाते हैं तो होगा क्या, जैसे ही डेप्थ में जाएगा पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा, सॉलिडिटी बढ़ेगी। अब 11 सेम सिलेंडर की वॉल्यूम है तो उसमें 11.7% अगर हीलियम डाल दिया तो जो नाइट्रोजन के परसेंटेज है वो डिक्रीज हो जाएगी अराउंड 56.2%, ऑक्सीजन 32.1%। तो जैसे ही डेप्थ में गया सॉलिबिलिटी बढ़ गई, ऑक्सीजन यूज हो जाएगी साथ साथ, हीलियम इनर्ट है, हीलियम लेस सॉलिबल है। लेस सॉलिबल मतलब जैसे ही स्कूबा डाइवर डेप्थ में है बेशक प्रेशर ज्यादा है तो सॉलिबिलिटी बढ़ गई,
लेकिन जैसे जैसे सरफेस पर आ रहा है, ऊपर की तरफ आ रहा है, प्रेशर डिक्रीज होगा तो वो साथ साथ निकलेगी। लेकिन नाइट्रोजन क्या था, सरफेस पे आने के बाद निकल रहा था, ठीक है, रैपिड निकल रहा था, और हीलियम जो लेस सॉल्युबल है वो साथ साथ निकलेगी, तो जिसकी वजह से वो प्रेशर को रिड्यूस करेगा। तो क्या रोल है हीलियम का, अब हम रोल पढ़ते हैं कि हीलियम को अगर डाइल्यूट करते हैं या क्यों डाइल्यूट करते हैं, क्या क्या रीजन है। फर्स्ट जो हीलियम है, फर्स्ट पॉइंट, हीलियम इज एन इनर्ट गैस, इनर्ट गैस होता है, बॉडी में जाके रिएक्ट नहीं करेगा। सेकेंड, हीलियम इज लेस सॉल्युबल, ये हीलियम का सिंबल है, हीलियम इज लेस सॉल्युबल इन ब्लड एज कंपैरिजन टू नाइट्रोजन। थर्ड, हीलियम रिड्यूसेस डीकंप्रेशन, डीकंप्रेशन मतलब हीलियम रिड्यूसेस प्रेशर, जो प्रेशर वो फील कर रहे हैं, क्योंकि जब डेप्थ में जा रहे हैं तो पार्शियल प्रेशर बढ़ रहा है ना, तो हीलियम जब लेस सॉल्युबल तो साथ साथ निकलेगी, तो प्रेशर को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, यानी हीलियम रिड्यूसेस डीकंप्रेशन, इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट, रिड्यूस या कॉजेस लेस डिस्कंफर्ट, कॉजेस लेस डिस्कंफर्ट टू डाइवर इन ब्रीदिंग। तो दीज आर द रीजन जिसकी वजह से जो स्कूबा डाइवर्स के सिलेंडर्स होते हैं उसमें 11.7% हीलियम को डाला जाता है, यानी स्कूबा डाइवर्स के सिलेंडर में 11.7% हीलियम होती है, 56.2% नाइट्रोजन एंड 32.1% ऑक्सीजन। क्या क्या रीजन है, हीलियम जो है इनर्ट गैस है, इनर्ट यानी हमारी बॉडी में जाके वो कोई भी रिएक्शन नहीं करेगी, हीलियम जो है वो लेस सॉल्युबल है ब्लड के अंदर, ये मेन रीजन है, इसलिए हीलियम को यूज किया जाता है, क्योंकि हीलियम इज लेस सॉल्युबल एज कंपैरिजन टू नाइट्रोजन। अगर कोई गैस नाइट्रोजन से ज्यादा सॉल्युबल है तो वो प्रेशर को बढ़ाएगा, जिसकी वजह से बैंड और ज्यादा बढ़ेंगे। हीलियम रिड्यूसेस डीकंप्रेशन, डीकंप्रेशन यानी प्रेशर को रिड्यूस करता है, क्योंकि जैसे ही वो सरफेस पे आएगा, प्रेशर में ज्यादा होगा तो इमीडिएट क्या होगा, प्रेशर लूज होगा, यानी इमीडिएट गैसेस क्या होंगे, निकलेंगी, जिसकी वजह से बैंड्स बढ़ेगा। तो कॉजेस लेस डिस्कम्फर्ट टू डाइवर इन ब्रीथिंग, क्योंकि वो लेस सॉल्युबल है तो साथ साथ निकलेगी, प्रेशर को अगर वो रिड्यूस कर देता है तो जो हमारे जो डाइवर्स है उनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम नहीं होगी। थैंक यू।